बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा एडवानी ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय के अंदर ही अपने पांव जमा लिए हैं। एक्ट्रेस कियारा एडवानी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। हाल ही में अक्षय कुमार के साथ फिल्म लक्ष्मी में नजर आई थीं। अब एक्ट्रेस की एक और फिल्म रिलीज होने वाली है। कियारा की फिल्म इंदु की जवानी अगले महीने यानी कि दिसंबर में रिलीज होने जा रही है और इसे लेकर कियारा काफी एक्साइटेड भी हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि कियारा एडवानी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म इंदु की जवानी थिएटर्स की बजाय ओटीटी पर रिलीज की जा सकती है। अब इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया है और ये थिएटर्स में ही रिलीज होगी। खबर है कि इंदु की जवानी को दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाएगा। पहले ऐसी भी चर्चा थी कि ये नवंबर में रिलीज होगी और ये थिएटर्स के दोबारा खुलने के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। सब कंफर्म हो गया है कि कियारा एडवानी और आदित्य सील के मुख्य किरदारों वाली इंदु की जवानी 11 दिसंबर 2020 को रिलीज होगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस खबर को कंफर्म किया है। कियारा एडवानी की इस फिल्म का डायरेक्शन अबीर सेनगुप्ता ने किया है। वहीं आपको बता दें, नवंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में थिएटर्स के खुलने के बाद मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म सूरज पे मंगल भारी सबसे पहले दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। आइए आपको मिलवाते हैं सूरज पे मंगल भारी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा से, जो खुद को बेहद लकी मानते हैं। आफ्टर ऑल, सिनेमा खुलने के बाद ये पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हुई है। एक इमोशनल डिसीजन भी है जी का और मेरा, कि हम चाहते हैं कि सिनेमा को सिनेमा की तरह परोसे, ना कि ओटीटी पे या यू नो किसी और दूसरे माध्यम से। हम चाहते थे कि थिएटर्स खुलें और एक तरह से ये हमारी पहल है। हमारे जो सिनेमा वर्कर्स हैं इतने सारे, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं थिएटर्स में हिंदुस्तान में, तो उनके तरफ भी हमारा थोड़ा बहुत हमारी जिम्मेदारी एज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स है कि हम उनको कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि थिएटर्स में कुछ चल पाए। क्योंकि सरकार ने तो थिएटर्स खोल दिए, लेकिन वहाँ चलाने के लिए हम ही लोग हैं जो कि उनको कुछ दे सकते हैं। उस लिहाज से भी एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। सबसे मुश्किल सवाल, मनोज का कौन सा लुक है जो आपको, और सीधा जवाब दीजिएगा, जो आपको सबसे प्यारा लगा, सबसे? नहीं नहीं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को तो बसंती वाला जो उनका अंकल का लुक है, जो सिंधी सेठ जो बने हैं, वो बहुत अच्छा लुक है, क्योंकि उसमें वो नाचे ही बहुत कमाल है। तो वो मेरा सबसे, मेरे को सबसे प्यारा लुक वही लगता है। Well, एक बार फिर से थिएटर्स में फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कियारा की ये फिल्म थिएटर्स में कैसा प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।